नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y15C वर्सेस Xiaomi Redmi 10A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y15C में 6.45 इंच जबकि Redmi 10A में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y15C में 2.96 इंच जबकि Redmi 10A में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y15C में 0.32 इंच जबकि Redmi 10A में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y15C से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y15C में 179 ग्राम जबकि Redmi 10A में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Y15C से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y15C में 6.51 इंचेस जबकि Redmi 10A में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y15C में 83.02% जबकि Redmi 10A में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y15C में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 10A में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y15C में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y15C में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10A की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y15C में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi 10A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y15C में MediaTek Helio P35 और Redmi 10A में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Y15C में 3GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y15C में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y15C में अप टू 1TB जबकि Redmi 10A में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y15C में Android V12 जबकि Redmi 10A में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y15C में दो कलर्स जबकि Redmi 10A में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,377 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,499, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,499 में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y15C में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y15C आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y21A है, तीसरा Poco M4 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।